रानू मंडल, जिसको आज हर कोई जानता है, देश का बच्चा बच्चा जानता है और पूरे देश में जिनकी आवाज़ गूंज रही है, यही हैं वो रानू मंडल, जिनको मौका मिला है हिमेश की फिल्म में गाना गाने का। जिनको नहीं पता, मैं बता दूं कि ये प्लेटफॉर्म पर भीख मांगा करती थी अपना गाना गाकर और उसी से गुजारा किया करती थी। तो ये सारी कहानी आपको पता ही होगी। मैं आज बात करने वाला हूँ इनकी बेटी के बारे में, जो वापस आ गई हैं। कुछ लोगों का कहना है कि वो पैसे की वजह से आई हैं, आज उनकी माँ को फेम मिल गया है तो वो वापस लौट आई हैं। और कहानी ये भी सुनने में आई है कि वो 10 साल पहले छोड़ गई थीं अपनी माँ को। अपनी माँ को छोड़कर क्यों गई थीं, किस लिए गई थीं, ये तो रानू मंडल ही जानती हैं या उनकी बेटी जानती है। और वापस क्यों आई हैं ये भी उनकी बेटी या फिर वो जानती हैं। लेकिन उनकी बेटी का कहना है कि उन्होंने इन 10 सालों में अपनी माँ को ढूंढने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन उनका कुछ अता पता नहीं मिला। आज वो फेमस हो गई, उनकी वीडियो वायरल हो गई, तो उनको ढूंढने का आसान उनको ज़रिया मिल गया और वो वापस आ गई। तो आपका क्या कहना है दोस्तों, क्या वो पैसे की वजह से वापस आई हैं, क्या किसी को ढूंढना इतना मुश्किल था, क्या अपनी माँ को ढूंढना इतना मुश्किल था कि वो 10 सालों तक उनको नहीं ढूंढ पाई। आज उनको ढूंढकर उन्होंने निकाल लिया क्योंकि वो सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फेमस हो चुकी हैं। खैर, जिस वजह से भी उनकी बेटी वापस आई है उसकी खुशी उनको बहुत ज़्यादा होगी। रानू मंडल बहुत ही ज़्यादा दिल से खुश होंगी, क्योंकि जब कोई आपका बिछड़ा हुआ आपको वापस मिल जाए, जबकि उसके सिवा आपका दुनिया में कोई होता नहीं है, वो वापस आ जाए तो खुशी तो होती ही है। आपको कैसा लगा ये वीडियो? अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में। आपको क्या लगता है इस बारे में ये ज़रूर बताइएगा। आपका क्या विचार है, आप क्या सोचते हैं उनकी बेटी के बारे में, बेटी के लौटने के बारे में, ज़रूर कमेंट कर बताइए। बाय बाय, टेक केयर, खुश रहें।